बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सब्जेक्ट द टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पार्ट में पांच सेक्शन को डिस्कस किया गया है। देयर आर फाइव सेक्शंस आर डिस्कस सब्जेक्ट द टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। टाइम और प्लेस के हवाले से इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया, जिसमें पांच सेक्शन को डिस्कस किया गया। सेक्शन 46 से लेकर 50 सेक्शंस तक इस पार्ट को डिस्कस किया गया है। सब्जेक्ट द टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टाइम और प्लेस के हवाले से अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के दरमियान होता है, उसमें टाइम और प्लेस, एक कॉन्ट्रैक्ट में टाइम और प्लेस को मेंशन किया गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें टाइम और प्लेस को मेंशन नहीं किया गया, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टाइम को तो मेंशन किया गया है लेकिन प्लेस को स्पेसिफाइड नहीं किया गया। अगर प्लेस को स्पेसिफाइड किया गया है तो टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अब पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन क्या होगी? एक कॉन्ट्रैक्ट में टाइम को स्पेसिफाइड किया गया और प्लेस को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज़ कैसे परफॉर्म करेंगी? अगर प्लेस को स्पेसिफाइड किया गया है तो टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो इस हवाले से इस कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज़ कैसे परफॉर्म करेंगी? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट तस्वर किया जाएगा? सब्जेक्ट द अनसर्टेंटी, सब्जेक्ट द अनसर्टेंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड और प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड, इन विच कॉन्ट्रैक्ट प्लेस इज स्पेसिफाइड बट टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड आर नॉट, और दैट कॉन्ट्रैक्ट विल परफॉर्म आर नॉट। तो यानी ये परफॉर्मेंस के हवाले से ये किसी में टाइम को स्पेसिफाइड किया गया तो प्लेस को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, किस में प्लेस को स्पेसिफाइड किया गया तो टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी में दोनों चीज़ों को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, टाइम को भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया, प्लेस को भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अब पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन क्या होगी? उस कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज़ कैसे परफॉर्म करेंगी? तो इस परफॉर्मेंस के हवाले से इस पार्ट को डिस्कस किया गया है कि अगर इस किस्म का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज़ कैसे परफॉर्म करेंगी, उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन क्या होगी। तो इसमें हम डिटेल में जो है सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करेंगे और हर सेक्शन में इसका रेफरेंस दिया गया है, तो उस रेफरेंस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जिसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं तो उसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें प्लेस स्पेसिफाइड नहीं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीज़ें स्पेसिफाइड नहीं की गई तो उनको कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो सारा जो इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन के हवाले से। लेकिन इसमें हमने जो है सबसे इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाया टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो जाए। इस पार्ट का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है? तो बेसिकली इस पार्ट को जो है 46 से लेकर 50 सेक्शन तक डिस्कस किया गया है। देर आर फाइव सेक्शंस आर डिस्कस सब्जेक्ट द टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, यानी प्लेस और टाइम के हवाले से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए पांच सेक्शन को डिस्कस किया गया है, और उसमें पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन को डिस्कस किया गया है। तो उस किस मैनर में जो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से इट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड सरकमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस ट्रेड की, उस बिजनेस की एक अपनी नेचर होती है, सरकमस्टेंसेस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, उसके टाइम के हवाले से, उसके ट्रेड के हवाले से एक मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है, मुख्तलिफ सरकमस्टेंसेस होते हैं, उनकी मुख्तलिफ नेचर्स होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स के पार्टीज़ उसको कैसे परफॉर्म करेंगी, उस कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें टाइम और प्लेस को मेंशन किया गया है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टाइम और प्लेस को मेंशन नहीं किया गया, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्लेस को स्पेसिफाइड तो किया गया है लेकिन टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया,
या ऐसा कॉन्टैक्ट अगर टाइम को स्पेसिफाइड किया गया है तो प्लेस को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो इस हवाले से अगर कोई कॉन्टैक्ट होगा तो वो कैसे परफॉर्म होगा, उसमें पार्टीज की क्या ऑब्लिगेशन होगी, क्या उस कॉन्टैक्ट को वाइड कॉन्टैक्ट तसव्वुर किया जाएगा या उस कॉन्टैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा सब्जेक्ट द अनसर्टेनिटी, उस कॉन्टैक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, इस हवाले से पार्टीज़ की क्या ऑब्लिगेशन होगी, तो इसमें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 46 से लेकर 50 तक इसको हम डिस्कस करेंगे। और 46 में तो ये डिस्कस किया गया है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज़ स्पेसिफाइड। 46 में ये डिस्कस किया गया है, इसमें टाइम को तो मेंशन नहीं किया गया लेकिन प्लेस को स्पेसिफाइड किया गया है, और इसमें टाइम को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो वो हम चल के 46 में डिस्कस करेंगे। इसमें जनरल इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह जो है हम स्टार्ट करेंगे 46 से।